सो हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है यार आपका आज की इस नई वीडियो में। और आज हमारे पास आ चुका है ये RPM यूरो गेमिंग हेडफोन ईयरफोन जो भी आप कह सकते हो का बॉक्स। ये डायरेक्ट मेरे पास ऐसे ही आया है, यहाँ पे डिलीवरी से जस्ट मैंने लिया और ये सेम टू सेम ऐसा है। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे हमें नॉर्मल से पैकिंग देखने को मिल रही है, बट कोई बात नहीं, हम इसके पैकिंग पे नहीं, इसके अंदर जो मटेरियल जो सामान है उसके ऊपर जजमेंट पास करेंगे क्या होता है नहीं होता है। तो फटाफट से कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह और फिर चलते हैं इसके मटेरियल के ऊपर। सो गाइस फाइनली ये निकल चुका है बहुत ही मेहनत के बाद। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं RPM यूरो गेमिंग का ये हमारा बॉक्स जो दिख रहा है पैकिंग करने अनपैक करने के बाद। सो फटाफट से इसको भी कर लेते हैं अनबॉक्स। यहाँ पे लगी पड़ी टेप जो कि पहले ही निकल चुकी है जैसे मैंने फाड़ दिया था। और इसके अंदर का अब मैं दिखा देता हूँ क्या क्या इसके अंदर है। सो मैं इसके अंदर का खींच लेता हूँ ट्रे जो भी है अंदर। सो ये बाहर आ चुकी है हमारी सब कुछ चीज़ें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें टॉप में दिख रहा है हमारा ईयरफोन। इसमें कुछ ये प्रेम पत्र वगैरह है, इसी में पन्नी में सब कुछ भर रखा है। सो एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपको पहले दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे हमें इसके अंदर देखने को मिल जाता है एक, इसको भी ओपन कर देते हैं। शायद इसमें स्प्लिटर है हमारे ख्याल से। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमें देखने को मिल जाता है स्प्लिटर। और इसकी काफ़ी अच्छी खासी लंबी लेंथ दी गई है। ये मुझे एक चीज़ बढ़िया लगी इसमें कि एक अच्छी खासी इसमें लेंथ दी गई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ये देख पा रहे हैं कितनी अच्छी खासी लेंथ दी गई है, लंबी लेंथ। बट ये ओके है, चलो आगे देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है। आगे इसके अंदर देख लेते हैं हम खोल के। सो हमें यहाँ आगे देखने को ईयरबड्स मिलते हैं, दो पेयर ईयरबड्स हमें देखने को मिल जाते हैं एक्स्ट्रा इसमें। इसको भी साइड रख देता हूँ। और इसके अंदर फिर एक प्रेम पत्र वगैरह, बस यही है, बाकी ये हो गया काम, इसको साइड में रख देता हूँ मैं। और फिर यहाँ पे हमें एक्सटर्नल माइक जो होता है हमारा वो देखने को मिल जाता है यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एक्सटर्नल माइक। सो ये रहा हमारा एक्सटर्नल माइक। और अब हमारा आ जाता है ईयरफोन जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, सबसे मेन। सो गाइस यहाँ पे आप इसके देख सकते हैं ये यूरो गेम्स, यहाँ पे ब्रांडिंग लगी पड़ी है और काफ़ी डिसेंट यूनिक और अट्रैक्टिव लुक है इसकी, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और इसकी लेंथ, और ये रहा हमारा माइक, इसके ऊपर से ये बटन वगैरह। सो वो भी देखेंगे क्या फंक्शन हो रही नहीं हो रही। और यहाँ पे देख सकते हैं लेंथ अच्छी खासी यहाँ पे लेंथ दी गई है इसकी, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसके ऊपर ये कैप भी लगी पड़ी है। सो इसको निकालने के बाद हम इसको यूज़ कर पाएंगे। सो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, बाकी बढ़ते हैं आगे। इसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे, साउंड क्वालिटी चेक करेंगे गेम प्ले के अंदर। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें हमें प्रोडक्ट मिले एक, ये दो, ये तीन, और एक एक्स्ट्रा माइक कहाँ गया वो, और ये रहा हमारा एक एक्स्ट्रा माइक। सो हमें चार चीज़ें इसमें बॉक्स के अंदर देखने को मिली है जो मैंने आपको दिखा दी गिना दी। सो अगर गाइस बात करें इसके वायर क्वालिटी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी लुक तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है मुझे यहाँ पे। बाकी आप वायर क्वालिटी वगैरह भी देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा क्लोज से दिखा देता हूँ। और ये हमारा एल शेप का यहाँ पे देखने को मिलता है जो हमारा इनपुट होता है जैक के लिए। अब चलते हैं इसकी गेमिंग टेस्टिंग की तरफ, मतलब साउंड क्वालिटी की टेस्ट करते हैं गेमिंग में अपने, क्या फुटस्टेप हमें देखने को मिल रहे नहीं मिल रहे, कैसा साउंड आ रहा है, फुटस्टेप 3D है मतलब 360 डिग्री से साउंड आ रहा है नहीं आ रहा, वो सारी चीज़ें करेंगे। तो गाइस यहाँ पे चलते हैं अपने बूट कैंप में और वहाँ पे टेस्टिंग वेस्टिंग करके देखते हैं, साउंड क्वालिटी की टेस्ट करके देखते हैं क्या क्वालिटी आ रही नहीं आ रही है। सो गाइस सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा स्क्वाड है। सो बात करते हैं अपनी इसकी ईयरफोन की। सो गाइस यहाँ पे जो यहाँ पे कान में फिट हो रहा है बहुत ही ईजिली फिट हो रहा है, कंफर्टेबल है, मतलब मैं लॉन्ग टाइम तक गेमिंग कर सकता हूँ, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे महसूस हो रहा है। कंफर्टेबिलिटी है वो तो मुझे काफ़ी अभी तक बढ़िया लगी। बात करें अभी साउंड क्वालिटी की, तो अभी बंदे आएंगे तो मैं बताऊँगा कि फुटस्टेप वगैरह कैसे आ रहे नहीं आ रहे, क्लियर सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा कोई। बाकी गाइस बात करें यहाँ पे गन साउंड वगैरह, तो मैं इजीली सारे गन साउंड सुन पा रहा हूँ कि कौन सा गन साउंड कहाँ से आ रहा है, किस डायरेक्शन से आ रहा है। बाकी अभी फुटस्टेप वगैरह भी चेक वेक करेंगे जब बंदे आसपास आ जाएंगे मेरे। और यहाँ पे मैं और बताना चाहता हूँ कि जो भी अभी आपने मेरी आवाज़ सुनी वो मैंने विदाउट एक्सटर्नल माइक को यूज़ करके रिकॉर्ड करी है। अब मैं जा रहा हूँ अपने एक्सटर्नल माइक को लगाने और फिर देखते हैं साउंड क्वालिटी में फिर क्या डिफरेंस आता है। सो गाइस अब मैंने अपने एक्सटर्नल माइक को अटैच कर लिया अपने ईयरफोन के साथ, और अब गाइस देख सकते हो आप क्या डिफरेंस आ रहा है हमारी साउंड क्वालिटी, जो भी मतलब मेरा वॉइस ओवर था उसमें क्या साउंड में चेंज आ चुका है, क्लियर हो चुकी है और थोड़ी हाई भी हो चुकी है। सो ये काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है जो इसका एक्सटर्नल माइक है। उसको लगाने के बाद अगर आप रिकॉर्डिंग करते हो यार, आपको कोई भी इशू आता है कि आपके टीममेट को आवाज़ नहीं आ रही या कोई भी ऐसी दिक्कत आ रही है, तो आप एक्सटर्नल माइक को लगा के बहुत ही क्लियर आवाज़ उस तक पहुंचा सकते हो या जो भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सो बहुत सी चीज़ों में काम आने वाला, तो बहुत ही बढ़िया ये चीज़ मुझे लगी।
और गाइस बात करें इसके बटन्स वगैरह से, तो मैंने कॉल वॉल करके देख लिया, बटन कम्प्लीटली बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। और जो इसका स्लाइडर है, मतलब वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन करने के लिए, वो काफ़ी काम आता है और बहुत ही बढ़िया चीज़ है। सो वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। जो बटन है और जो इसका वॉल्यूम अप एंड डाउन का है, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। सो कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है। अब गाइस बात करें इसके मतलब नॉर्मल डेली यूज से, मतलब अगर आप गाने वाने के ज़्यादा शौकीन है तो क्या कितना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। बट गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि ये गेमिंग के लिए बनाया गया है, मतलब ये ईयरफोन और उसी लिए है, आप ज़्यादा जानते हैं कि गेमिंग ईयरफोन। सो ये गेमिंग के लिए ठीक है, बढ़िया है। बट मैं गाने के लिए, मतलब अगर आप म्यूज़िक लवर हो तो उसके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बट हाँ, अगर आपको गेमिंग के लिए स्पेशली चाहिए तो ये बहुत ही बढ़िया है, इस बजट के अंदर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी देता है। सो गाइज मेरा ओपिनियन है, अगर आप गेमिंग के लिए ईयरफोन देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, आप इसको ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। बाकी बात करें मल्टीमीडिया या गाने वाने सुनने के लिए, मतलब आपको हाई बेस वगैरह चाहिए, सो वो चीज़ में यहाँ पे थोड़ा लैक करता है। सो उसके लिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगा अगर आप गाने के लिए। बट हाँ, गेमिंग के लिए ओवरऑल ये काफ़ी बढ़िया लगा मुझे अभी तक। और गाइस फुटस्टेप वगैरह मुझे इजीली सुनाई दे रहे कि कौन सा बंदा कहाँ पे है, मुझे स्पॉट हो पा रहा था। अगर आपको अच्छी गेम सेंस, मतलब साउंड सेंस है, तो आप इजीली स्पॉट कर पाओगे बंदों को साउंड सेंस से, मतलब क्योंकि ये इतनी ज़्यादा क्वालिटी दे रहा है कि आपको बंदों को इजीली स्पॉट हो पाएगा कौन सा बंदा कहाँ से आ रहा है, किस डायरेक्शन से आ रहा है। सो ये रहा मेरा ओवरऑल रिव्यू, यही था, मैंने सारी चीज़ें कवर कर लिए। जो भी एक गेमर को दिक्कत हो सकती है, गेमर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कवर करी हर एक चीज़ को। सो आप इस ईयरफोन को कंसिडर कर सकते हो, इसे परचेस कर सकते हो। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इसकी प्राइस मैंने लिया था 650 के मतलब आसपास, तो ये 650-700 में फ्लक्चुएट होता रहता है। जिस डेट को मैंने खरीदा उस दिन ये 650 था, ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि यही रेट फिक्स्ड है। हाँ, कि 700 के आसपास रहता है। सो वो क्या पता आपके जब जिस दिन आप ऑर्डर करो उस टाइम ऊपर हो जाए या थोड़ा नीचे हो जाए, सो वो आप जाके चेकआउट कर लेना, इसलिए मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ पे से जाके डायरेक्ट परचेज कर सकते हो, इसको कंसिडर कर सकते हो। सो गाइस ऐसी वीडियोस मैं और भी अपने फ्यूचर में लाने वाला हूँ, और काफ़ी कमाल कमाल के इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी लाने वाला हूँ जो आपकी गेमिंग के लिए हेल्प करने वाली है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस थोड़ा सा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।